सन 1719, माणकोजी सूर्यवंशी जी के नेतृत्व में मराठों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। इस वक्त मुंबई में अंग्रेजों का गवर्नर था चार्ल्स बून। इस गवर्नर बून ने फिर एक बार विजय दुर्ग पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसे मराठों से बदला लेना था। वह जोरों शोरों से तैयारियां करने में जुट गया। इंग्लैंड में कंपनी के डायरेक्टरों को समझा बुझाकर उसने काफ़ी मदद मंगवाई। मुंबई में तैयार हो रही नौकाओं में एक नौका विशेष थी। उसके बारे में विशेष गुप्तता रखी जा रही थी। उसे फ्लोटिंग फोर्ट्रेस यानी तैरता किला कहा जा रहा था। 48 पाउंड की 12 तोपें उस पर बिठाई गई थी। फ्लोटिंग फोर्ट्रेस की दीवारें इतनी मोटी थी कि गोलों का पार होना मुमकिन नहीं था। यह तैरता किला विजय दुर्ग पर हमले के दौरान उपयोग करने का सपना गवर्नर बून ने देखा था। इस तैरते किले का नाम रखा गया था फ्राम। सन 1720 में मराठों और अंग्रेजों के बीच चल रही संधि का प्रस्ताव नाकामयाब हुआ। चार्ल्स बून मानो इसी की राह देख रहा था। उसने पूरी ताकत से कान्होजी आंग्रे के नौसेना पर और विजय दुर्ग पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी। कान्होजी आंग्रे ने 1720 के अप्रैल महीने में शार्लट नाम की अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी युद्ध नौका जीत ली थी। इस समय बून के कानों पर जू तक न रेंगी, क्योंकि वो राह देख रहा था फ्राम तैयार होने की। इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने इंग्लैंड से गवर्नर बून को एक और तोहफा भेजा, सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज नाम की यह अति भव्य युद्ध नौका इंग्लैंड से मुंबई तक आई। इस युद्ध नौका पर 60 बड़ी तोपें थी। इसके स्वागत के लिए दूसरे अंग्रेजी जहाज बंदरगाह में खड़े हो गए। बैंड बजने लगे, पर उसी वक्त एक चमत्कारिक दुर्घटना हुई। यह बड़ी युद्ध नौका ड्राई डॉक में ले जाते समय पत्थरों से टकराई और उसे बहुत नुकसान हुआ। विजय दुर्ग की मुहिम के लिए वह पूर्ण रूप से बेकार हो गई थी। बून के आनंद पर गहरा आघात पहुंचा। ये उसके आनंद पर पहला आघात था। बून ने फिर विजय दुर्ग मुहिम की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी। एडमिरल वॉल्टर ब्राउन नाम के एक नाविक अधिकारी को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। पूरे अंग्रेजी जंगी बहर का भार अब वो संभालने वाला था। लंदन नाम की 40 तोपों की एक युद्ध नौका, उसके साथ ही 40 तोपों की चैंडस, 26 तोपों वाली विक्ट्री, 18 तोपों वाली रिवेंज और 16 तोपों की पेलहम और उसके साथ ही 16 तोपों की डिफायंस, ऐसी अनेक युद्ध नौकाएं उसकी नौसेना में शामिल हो गई। टेरर बॉम्ब यानी कि आग के गोले बरसाने वाला जहाज भी उसी में शामिल किया गया। इसके अलावा अनेक छोटे जहाज, नावें, युद्ध नौकाएं और डोंगे इसमें शामिल थे। बून का सपना यानी फ्राम नाम का तैरता किला इस नाविक सेना को दाभोल के बंदरगाह में शामिल होने वाला था। एडमिरल ब्राउन ने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। उसने लंदन नाम की बड़ी युद्ध नौका पर अपना झंडा लहराया। 13 सितंबर 1720 को अंग्रेजी नाविक सैन्य विजय दुर्ग की दिशा में निकल पड़ा। उस समय विजय दुर्ग पर रुद्राजी अनंत नाम का एक हिम्मतवान किलेदार था। कान्होजी आंग्रे को इस रुद्राजी पर बड़ा विश्वास था। यह एक ठंडे दिमाग का और युद्ध में निपुण सैनिक था। उसने किसी भी हमले का प्रतिकार करने के लिए विजय दुर्ग को सज्ज रखा था। एडमिरल ब्राउन ने पहले आग के गोले बरसाने वाला यानी बम दागने वाला टेरर बॉम्ब इस जहाज को आगे किया, लेकिन उसके गोले पानी में ही गिरने लगे। वे किले तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। जहाज नजदीक जाने पर किले से तोपे बरसती और गोले जहाज पर आ गिरते। ब्राउन के मन में एक युक्ति आई। अब उसने सैन्य किनारे पर उतारकर विजय दुर्ग पर हमला करवाना चाहा। अपने सैन्य को उतारने के लिए जगह ढूंढने का काम उसने शुरू कर दिया। इसी दौरान तैरता किला यानी कि फ्राम तुरंत भिजवाने के लिए उसने चार्ल्स बून को बंबई में खत भेजा। बून ने फ्राम या अपनी युद्ध नौका भेजने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही फ्राम को समुद्र में धकेला गया। बून का सपना अब पानी पर तैर रहा था। तैरता किला समुद्र में आते ही अंग्रेजों को समझ गया कि फ्राम का वजन अधिक होने के कारण वह गति नहीं पकड़ सकता। गति देने के लिए उसके पाल उसके लिए काफी नहीं थे। आखिरकार फ्राम को कोई खींच कर ले जाने की नौबत आई और फिर फ्राम खींचने के लिए अन्य बड़े जहाजों को नियुक्त किया गया। एडमिरल ब्राउन बहुत सावधानी से अपनी चालें चल रहा था और फ्राम आने की राह देख रहा था, लेकिन फ्राम अब तक मुंबई बंदरगाह पर लटका पड़ा था। अपने सभी लोगों को खुश रखने के लिए ब्राउन ने फिर शराब पीने की अनुमति दे दी और फिर क्या, कितने सारे शराबी नशे में धुत मुर्दे बन पड़े। अब फ्राम पहुंचने तक वॉल्टर ब्राउन के पास कोई विकल्प नहीं था। फ्राम जैसे तैसे विजय दुर्ग के नजदीक लाया गया। वजन में वो अत्यंत भारी था। यह जहाज नया होने के कारण इससे पहले इसने कहीं गोलाबारी नहीं की थी। इस तैरते किले पे से गोलाबारी कैसे होती है,
इसके लिए सबके मन में कुतूहल था। यह भारी भरकम जहाज लड़ाई की जगह पर लाया गया। फ्राम पर दौड़ भाग शुरू हो गई, तोपे भरी गई, गोले डाले गए, ड्रम बजाए गए। पूरी अंग्रेजी नौसेना फ्राम जहाज पर निगाहें टिकाए हुई थी। विजय दुर्ग किले से रुद्राजी अनंत और उनके साथी भी ये अंग्रेजी संचलन देख रहे थे। आखिर ये क्या नया आलम है, ये उनको समझ में भी नहीं आ रहा था। कोहरा हटा और उन्हें यह विशाल जहाज दिखाई दिया। एडमिरल ब्राउन ने संकेत देते ही फ्राम से तोपचियों ने तोपे दागी। बड़ी गर्जना हुई, धुएं से पूरा वातावरण ढक गया। अंग्रेज धुआं कम होने की राह देख रहे थे। सब एक नजर ताके घेरे की ओर देख रहे थे। वहां तोपों का धुआं कम हुआ और अंग्रेजों के मन में भ्रम निर्माण हुआ। तोपों से दागे गए गोले विजय दुर्ग तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। ये गोले सिर्फ 20 या 30 गज दूरी तक जाकर गिर रहे थे। अंग्रेजी तोपचियों ने अब ज्यादा बारूद से तोपे भर दी और गोले फिर दागे। फ्लैगशिप लंडन अपने इस जहाज से एडमिरल ब्राउन दूर से यह सब देख रहा था। धुआं हटते ही अंग्रेजों को दिखा कि इस बार भी गोले विजय दुर्ग तक नहीं पहुंच पाए। विजय दुर्ग से मराठे आनंद व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने भी गोले दागे। उसमें से एक गोला फ्राम की ओर आया और उसकी दीवार से टकराया, लेकिन मजबूत फ्राम को उससे कुछ अधिक नुकसान नहीं हुआ। एडमिरल ब्राउन ने तैरता किला पीछे ले जाकर उसका निरीक्षण करने का फैसला लिया। फ्राम कुछ देर तक पीछे चला गया। अंग्रेजों का सपना अब दूसरी बार टूटा था। इतने पैसे खर्च कर बनाया गया यह तैरता तोपखाना, यानी कि तैरता किला फ्राम, इसका अब कोई उपयोग नहीं हो रहा था। उसकी तोपों का विजय दुर्ग पर तिनके जितना भी असर नहीं हुआ। विजय दुर्ग पर मराठी परचम बड़ी शान से फहरा रहा था। ब्राउन ने अब नया दाव खेलने का फैसला किया। नौसेना के सैनिकों को किनारे पर उतार कर विजय दुर्ग पर आक्रमण किया जाए, ऐसा फैसला ब्राउन ने किया था। तैरता किला पीछे गया और ब्राउन के सैनिकों को किनारे पर उतरने का आदेश ब्राउन ने दे दिया। इससे कुछ दिन पहले ही खानदेरी की लड़ाई में मराठों की मार चखे हुए सैनिक इस फैसले से काफी नाराज थे। एडमिरल ब्राउन ने पहले उनको समझाया, फिर धमकाया, फिर आदेश भी दिए, लेकिन किसी भी चीज का उन पर परिणाम नहीं हो रहा था। आखिर निराश होकर ब्राउन ने इनाम जाहिर कर दिया। हर उतरने वाले सैनिक को 40 रुपए देने का उसने ऐलान कर दिया। उसका भी कोई फायदा न हुआ। अब तक का अनुभव देखते हुए किनारे पर कोई भी उतरने के लिए तैयार नहीं था। इसका कारण था कि मराठों के हाथ अगर हम लग गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, यह अंग्रेजी सैन्य जानता था। उधर फ्राम यानी कि तैरता किला पीछे ले जाकर उसका निरीक्षण किया गया। तोपों की गोले दूर तक क्यों नहीं जाते, इसलिए अंग्रेजी तंत्रज्ञों की एक टुकड़ी उस विशाल जहाज का निरीक्षण करने लगी। अंग्रेजों को धीरे धीरे कुछ बातें समझ में आ रही थी। तोपे और बंदूकें दागने के लिए दोनों तरफ जो खिड़कियां बनाई गई थी वो बहुत ही नीचे थी। जहाज का तल भी फैला हुआ था, इसी के कारण ये खिड़कियां बहुत ही नीचे बनाई गई थी। तोपों की गाड़ियों की रचना भी कुछ ऐसी थी कि तोपों की नलियां ज्यादा झुकाए बिना गोले दागना भी मुमकिन नहीं था। यह थी अंग्रेजी बनावट, और इतने बड़े जहाज को मराठों की छोटी नावें आसानी से चकमा दे रही थी। अब फ्राम की मरम्मत शुरू हुई। फ्राम की दीवारों को कुछ हद तक तोड़ा जाने वाला था। एडमिरल ब्राउन अब काफी चिंतित हो गया था। नौसेना के सभी सुतारों को उसने फ्राम पर ले जाकर जल्दबाजी में इस काम पर लगा दिया। दो दिन तक यह सब काम चल रहा था। फ्राम पीछे हटने के कारण चैंडस और पेलहम ये जहाज आगे आए। चैंडस से कई सैनिक 40 रुपए में किनारे पर उतरने के लिए तैयार हो गए थे। यह देखकर फिर दूसरे भी कई सिपाही उनके साथ जाने को तैयार हो गए। चैंडस जहाज पर कुल 60 और बाकी जहाज मिलाकर कुल 180 लोग थे, ऐसे हमें दस्तावेजों से पता चलता है। उधर फ्राम की मरम्मत को दिन प्रतिदिन देरी हो रही थी। एडमिरल वॉल्टर ब्राउन और गवर्नर बून, इनके सपनों की इस तरह धज्जियां उड़ रही थी। 19 सितंबर 1720 के दिन एक बड़े हमले का दिन निश्चित किया गया। तब तक बहुत से सैनिक और सिपाही इनाम की आशा से किनारे पर उतरने के लिए तैयार हो गए थे। अगले दो तीन दिनों में ही फ्राम की मरम्मत जैसे तैसे कर वो तैरता किला तोपे बरसाने के लिए आगे आया। फ्लैगशिप लंडन से दूर समंदर में खड़ा हुआ एडमिरल ब्राउन ये सब देख रहा था। उसने लेफ्टिनेंट वाइज को अब फ्राम का कमांडर नियुक्त किया। अंग्रेजी नौसेना के बहुत से जहाज सिपाहियों को किनारे पर उतारने के लिए आगे आए थे। उनके पीछे ही फ्राम यह जहाज भी था। फ्राम से दागे गए गोले विजय दुर्ग तो छोड़िए, कहीं आगे हुए अपने ही जहाजों पर ना गिरे, ऐसी स्थिति थोड़ी देर में वहां नजर आई। किस्मत यही थी कि फ्राम ने अंग्रेजों के कोई जहाज को नहीं डुबाया। इसी में अब अंग्रेजों को समाधान मानना पड़ा था। फिर भी अंग्रेजों ने जोरदार गोलाबारी कायम रखी। दूसरे जहाजों से भी तोपे गरज रही थी। अंग्रेजों की आशाएं पल्लवित हो रही थी।
इतने में ही विजयदुर्ग से मराठी तोपें भी गरजने लगी। उनमें से एक गोला सीधा फ्राम पर आ गिरा और फ्राम की एक तरफ की दीवार पर आग लग गई। जिस तरफ की दीवार काट कर नीचे लाई गई थी उस तरफ की दीवार अब आग से सुलगने लगी थी और वहां रखी कुछ तोपें समंदर में गिर गई। ये प्रतिकार देखकर किनारे पर उतरने वाले लोगों का धैर्य टूट गया। केवल पैसे की लालच में वो वहां उतरने वाले थे। पहले खाई हुई मार वो अब तक भूले नहीं थे। जहाजों से छोटी नावों में उतरे हुए अंग्रेज सैनिक डर कर पुनः अपने जहाजों में चढ़ने लगे। मराठों का उन्हें अच्छा खासा खौफ हुआ। यह सारा मामला दूरबीन से दूर देख रहा एडमिरल ब्राउन हताश हो गया था। विजयदुर्ग से विजय की गूंजें उठ रही थी। मराठों का भगवा झंडा शान से फहरा रहा था। अंग्रेजों का दाव एक बार फिर निष्फल हुआ। एडमिरल ब्राउन ने अब दिन के बदले रात को तोपे दागने का निश्चय किया। फ्राम रात को धीरे धीरे विजयदुर्ग की सीमाओं में आई। अब तोपची तोप दागने की प्रतीक्षा करने लगे। वे प्रतीक्षा कर रहे थे लेफ्टिनेंट वाइस के हुक्म की, पर लेफ्टिनेंट वाइस था कहाँ? वो तो नशे में धुत लाश होकर कहीं पड़ा था, उसको किसी बात की सुध न थी। दूसरे भी बहुत से सिपाही शराब पीकर बेहोश हो गए थे। जो कोई थोड़े होश में थे उन्होंने अब फ्राम से तोपे दागने का निर्णय लिया। उन्होंने अंधाधुंध तोपे दागी। उसमें ना कोई नियंत्रण था ना ही कोई संचलन। उसका परिणाम इतना ही हुआ कि नियंत्रित हमले के लिए बचाए गए गोले ऐसे ही खर्च हो रहे थे। मसला यह था कि फ्राम पर सभी खुद को अब कप्तान समझने लगे थे। रात्रि के अंधकार में विजयदुर्ग जाग रहा था। मराठे सही मौके की राह देख रहे थे। रुद्राजी अनंत बहुत सतर्क थे। कान्होजी आंगरे ने उनको सही समय पर रसद और सूचनाएं भेज दी। फ्राम आगे आकर तोपे दाग रहा था। ये देखकर उन्होंने भी अपनी तोपे दागना शुरू किया। ये गोलाबारी अचूक हुई। उन तोपों के दो गोले कुछ ऐसे आकर फ्राम पर गिरे कि फ्राम का बहुत नुकसान हुआ। फ्राम पर लगभग 15 लोग मारे गए, 25 से 30 लोग जख्मी हो गए। इसी समय फ्राम पर एक और गड़बड़ हुई। एक तोप दागते वक्त जहाज पर ही फट गई। उसके नजदीक खड़े हुए लोग मारे गए और एक तोप उल्टी फिर गई और समंदर की ओर उसका गोला फेंका गया। उसका यह गोला दूसरी एक अंग्रेजी युद्ध नौका पर जा गिरा। अंग्रेजी नौसेना में इस तरह हाहाकार मच गया। उस युद्ध नौका के आगे लोग झुलस गए। उन सैनिकों और सिपाहियों में ज्यादातर लोग अफ्रीकी थे। उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ऐसी परिस्थिति में बेचारे ब्राउन की हालत बहुत ही खराब थी। विजयदुर्ग से यह सब देखने वाले रुद्राजी आनंद का चेहरा लेकिन खुश था। इसी दौरान फ्लैगशिप लंदन पर पास ही के सावंतवाड़ी राज्य के सामंत ने एक दूत भेजा। उस वकील ने संदेशा लाया था कि मराठों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए सावंतवाड़ी राज्य तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त थी। विजयदुर्ग के दक्षिण में 7 से 8 कोस दूर स्थित देवगढ़ किला मराठों से जीतने में अंग्रेज उनकी मदद करें। विजयदुर्ग का युद्ध कुछ समय के लिए स्थगित हो और निष्फलता थोड़ी धुल जाए, इस आशा में ब्राउन देवगढ़ की ओर आगे बढ़ा। ब्राउन ने सामंत का संदेश आते ही देवगढ़ पर हमला भी कर दिया। सामंत ने अपनी फौज लाने का वचन दिया था, लेकिन वह फौज बड़ी देर तक आई ही नहीं। अंग्रेज अब असफल होते दिखाई दे रहे थे। समय और पैसा दोनों ही बर्बाद हो रहा था। एडमिरल ब्राउन अब पूर्ण रूप से हताश हो गया। उसके दोनों इरादों की धज्जियां उड़ गई थी। सैनिकों को शराब देने की वजह से आधे लोग शराब के नशे में धुत थे। सैनिक वरिष्ठ अधिकारियों का हुक्म नहीं मान रहे थे। फ्राम जैसे तैरते किले का सपना कभी साकार हुआ ही नहीं, इससे विपरीत उसका नुकसान ही ज्यादा हो रहा था। आखिरकार ब्राउन ने मुंबई लौटने का निर्णय लिया। अपनी बची खुची इज्जत लेकर ब्राउन अपने अंग्रेजी जहाजों का काफिला लेकर मुंबई की ओर रवाना हुआ। अंग्रेजों का काफिला मुंबई की ओर बढ़ा। विजयदुर्ग के पास आते ही उन्हें दो मराठी जहाज दिखे। अब मराठों का जहाज अपना पीछा करता हुआ देख अंग्रेजी काफिलों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मराठों के जहाज पीछा करते ही अंग्रेजी जहाज मुंबई की दिशा में तेजी से बढ़ने लगे। उसी दौरान उनको दूर समुद्री लुटेरों के कुछ जहाज आते हुए दिखे। समुद्री लुटेरों के नाम से ही लोग भयभीत हो गए। ब्राउन ने फिर अपने काफिले को फिर विजयदुर्ग की ओर मोड़ने का आदेश दिया। समुद्री लुटेरे और मराठों के बीच अब अंग्रेजी जहाज फंस गए थे। इसी समय अंग्रेजों ने एक और रणनीति सोची। कान्होजी आंगरे के विजयदुर्ग और नौसेना के नजदीक अपने सभी जहाज ले जाए, ऐसा वो सोच रहे थे। अंग्रेजी जहाज देखते ही विजयदुर्ग पर भी भगदड़ मच गए। अपने जहाजों ने अंग्रेजी नौसेना को गहरे समुद्र में धकेल दिया है, इस विश्वास से मराठे किले पर बैठे थे। पर अचानक उन्होंने अंग्रेजी नौसेना को वापस आते हुए देखा। रुद्राजी आनंद ने तोपे तैयार करने का आदेश दिया। अंग्रेजी नौसेना विजयदुर्ग के नजदीक तो आ रही थी, पर उसपे से तोपे नहीं गरज रही थी, यानी गोलाबारी नहीं हो रही थी।
क्या वो किसी भय से विजयदुर्ग की तरफ आ रहे हैं? यह रुद्राज आनंद ने दूर से ही पहचान लिया। उन्होंने अब सावधानी बरतने का निश्चय किया। उधर अंग्रेजों के जहाजों की बढ़ती संख्या देख समुद्री लुटेरों के जहाज अंधेरे में कहीं गायब हो गए। उनको जाते हुए देख ब्राउन ने फिर अपना काफिला मुंबई की ओर मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन यह आदेश ठीक से सब जहाजों पर नहीं पहुंच पाया। सुबह तक अंग्रेजी नौसेना के सभी जहाज एक दूसरे से दूर फैल चुके थे, कुछ मुंबई की ओर तो कुछ विजयदुर्ग की सीमाओं में तो कुछ दूर समुद्र में समुद्री लुटेरों के पीछे। अंग्रेजी नौसेना को इस तरह फैला हुआ देख रुद्राज ने इसी मौके का फायदा उठाया। उन्होंने कान्होजी आंगरे को एक संदेश भेजा और फिर मराठी नौसेना वाघोटन नामक खाड़ी में से बाहर निकली। अंग्रेजी नौसेना के वो पीछे लग गई। दूर समुद्री लुटेरों के दो जहाज थे, उनके नाम थे विक्ट्री और कैसेंड्रा। उन जहाजों के सरदार भी पहले अंग्रेज नौसेना में हुआ करते थे। कुछ ही दिन पहले उन्होंने कैसेंड्रा यह जहाज अंग्रेजों से चुरा कर समुद्री लुटेरों को बेच दिया था। बाद में वो भी लुटेरों में शामिल हो गए। उस जहाज पर 75 पाउंड की एक तोफ थी। अंग्रेजों के बड़े काफिले से लड़ने की उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन जाते जाते अगर इक्का दुक्का कोई जहाज सरलता से हाथ लग जाए तो वो चाहता था। समुद्री लुटेरे यही सोच रहे थे कि तभी पीछे से मराठों की नौसेना के प्रमुख कान्होजी आंगरे वहां आए। आंगरे की नौसेना ने अंग्रेजी नौसेना पर समुद्र में ही भारी हमले शुरू कर दिए। आंगरे की दो युद्ध नौकाएं अंग्रेजों पर जोरदार गोलाबारी करने लगी। अंग्रेजों के दो बड़े जहाज वहीं डूब गए। इसी दौरान लुटेरों के जहाज वहां आए। वास्तव में वो दूर तक गए ही नहीं थे, पर हर बार की तरह उन्होंने शाम के वक्त जहाजों की बत्तियां बुझा दी थी। एक आश्चर्यकारक योगायोग इसी वक्त दिखाई दिया। अंग्रेजी काफिले में एक जहाज का नाम विक्ट्री था और लुटेरों के एक जहाज का नाम भी विक्ट्री था। विजय दुर्ग के इलाके में लुटेरों के विक्ट्री जहाज से दागा गया एक गोला अंग्रेजों के विक्ट्री इस युद्ध नौका पर आ गिरा। इसी वक्त एडमिरल ब्राउन लंदन इस फ्लैगशिप पर था। अंग्रेजों के कोलाहल से वातावरण भर गया। विक्ट्री इस नाम के कारण संभ्रम निर्माण हुआ। अंग्रेजों के विक्ट्री ऐसा चिल्लाने से लुटेरों ने एकदम गोलों की बौछार शुरू कर दी। असमंजस सा छा गया। वास्तव में किस विक्ट्री को यह संदेश गया ये दोनों ही पक्षों को समझ में नहीं आया था। बढ़ावे के तौर पर कुछ अंग्रेजी जहाजों पर से भी गोलाबारी शुरू हो गई। अंधेरे में वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान न होने के कारण सभी ओर असमंजस की स्थिति निर्माण हो गई। अपना नुकसान न हो ऐसा दोनों ही पक्षों को लगा और इसलिए एक दूसरे से दोनों पक्ष दूर चले गए। परिस्थिति जरा शांत हो गई। इन समुद्री लुटेरों का सरदार था पीटर इंग्लैंड। अंग्रेजों के छक्के छूटते हुए देख उसने अपना जहाज कैसेंड्रा अंग्रेजों के नौसेना में घुसाकर चारों ओर आतिशबाजी शुरू कर दी। बड़ा उधम मच गया। अंग्रेज बौखला गए थे, एक तरफ से मराठे तो दूसरी तरफ समुद्री लुटेरे। दोनों के बीच अंग्रेज बुरी तरह फंस चुके थे। लंदन इस फ्लैगशिप पर इस बार कैप्टन था कैप्टन अपटन। उसने समुद्री लुटेरों की गोलाबारी को उत्तर ना दे ऐसा आदेश दिया। अपनी नौसेना लुटेरों के लिए नहीं बल्कि विजयदुर्ग को जीतने के लिए आई है, इसलिए मराठों पर आक्रमण करे ऐसा उसने ब्राउन से कहा। ब्राउन ने भी तुरंत सभी जहाजों के निशान उतरवा दिए, लुटेरों से जहाज दूर ले जाने का आदेश दे दिया। इस निर्णय के कारण अंग्रेजों में ही आपसी मतभेद बढ़ गए। एक दल खुलेआम गाली गलौज करने लगा। इस गदर में अंग्रेजों का विजयदुर्ग जीतने का सपना पानी पानी हो रहा था। इस दौरान मराठों ने फिर एक बार अंग्रेजी नौसेना पर हमला कर दिया। इस हमले में खुद कान्होजी आंगरे उपस्थित थे। कुछ दिन पहले अंग्रेजों से ही लूटा हुआ शार्लट नाम का एक बड़ा जहाज इस समय कान्होजी के नेतृत्व में फिर वाघोटन खाड़ी से बाहर निकला। उन्होंने अंग्रेजों की नौसेना पर निर्णायक हमला किया। इस हमले के समय विजयदुर्ग से रुद्राजी अनंत ने भी जोरदार गोले बरसाए। अब अंग्रेजी नौसेना विचित्र परिस्थिति में गिर गई थी। एक तरफ से समुद्री लुटेरों का हमला, एक तरफ से जहाजों पे से उतरे हुए अंग्रेजी निशान और फिर ये मराठे। उतरे हुए निशान का अर्थ ऐसा था कि हमला न किया जाए, इसलिए अंग्रेजों के जहाज हमला नहीं कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में कुछ अंग्रेजों ने एक नया ही मार्ग खोजा। गोवा के पुर्तगीजों के पास जाकर आश्रय लिया जाए इस विचार से वो अब गोवा की ओर निकल पड़े। एडमिरल ब्राउन की अब पूर्ण मानहानि हो चुकी थी। उसके सिपाही उसी के नाम से गाली गलौज कर रहे थे। अंग्रेज जब विजयदुर्ग के पास से गुजर रहे थे तब किले से और आंगरे की नौसेना से खूब गोलाबारी हुई। अब मराठों की नौसेना हमारा पीछा करेगी इस भय से ब्राउन और उसके लोग डर गए। अंग्रेजों को अब एक नया भय सता रहा था। फ्राम इस तैरते किले को
वे तेजी से नहीं ले जा सकते थे। कान्होजी आंगरे का पराभव करने के लिए उन्होंने इस विशाल तैरते किले की योजना बनाई थी, पर इस योजना की धज्जियां उड़ गई थी। पहले से ही फ्राम की गति बहुत कम थी। समय समय पर फ्राम को खींचने के लिए जहाज जोड़ने पड़ते थे। समुद्री लुटेरों द्वारा पीछा किया जाने पर फ्राम को चैंडस नामक एक जहाज ने खींचने का काम किया। इस फ्राम को खींचने के कारण चैंडस की भी गति धीमी हो गई। इसी समय मराठों की नौसेना ने चैंडस पर हमला शुरू किया। फ्राम अब आंगरे या फिर लुटेरों के हाथ लगेगा, ऐसे चिन्ह निर्माण हो गए और फिर एडमिरल ब्राउन को निर्णय लेना पड़ा। फ्राम जहाज को अब अंग्रेजों ने आग लगा दी और वो जहाज, उस पर की तोपे, साजो सामान शत्रु के हाथ न लगे, इसलिए अंग्रेजों ने यह जहाज जला दिया। जहाज जलकर डूब गया, समंदर की गहराइयों में कहीं खो गया। अंग्रेजों का सपना चकनाचूर हो गया। ये बड़ा तैरता किला समंदर की लहरों में समा गया। इतना पैसा खर्च कर, परिश्रम कर, बड़ी अपेक्षाओं से बांधे गए इस जहाज का ऐसा दर्दनाक अंत हुआ। फ्राम जलता देख कान्होजी आंगरे की नौसेना विजय दुर्ग पर लौटी। रुद्राजी अनंत ने विजय सूचक तोप चलाई। मराठी नौसेना में आनंद छा गया। मराठों का पराजय करने आई, परिश्रम कर और अनेक अपेक्षाएं रख बनाई गई फ्राम, इस युद्ध नौका की कहानी इस तरह खत्म हुई। विजय दुर्ग ने अपना नाम सार्थक किया, वो विजय रहा। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस हिंदी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल्स को सहयोग करने वाले सभी पेट्रियंस तथा यूट्यूब मेंबर्स के हम आभारी हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे विरासत।